स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल गॉड क्लासेस पर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने पिछले लेक्चर को। पिछले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 13 तक कर चुके थे, जिसमें हमने परमुटेशन के डिफरेंट क्वेश्चंस करे थे, और वहां से आई थिंक आपको समझ में आ पाया होगा कि परमुटेशन आपको कैसे यूज करनी है क्वेश्चंस में। अब यहाँ पर इससे आगे हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस और समझते हैं और देखते हैं कि आप उनको कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। तो 14th क्वेश्चन में कहता है, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सीटेड इन ए रो सो दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। यानी 5 बॉयज और 3 गर्ल्स को, सॉरी 4 बॉयज और 3 गर्ल्स हैं जिनको आपको रो के अंदर बिठाना है, लेकिन कंडीशन आपको दे दी है इसने कि जो गर्ल्स हैं वो इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। तो गर्ल्स अगर इकट्ठी नहीं होनी चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम पहले बॉयज को बिठा देते हैं। बॉयज में तो कोई कंडीशन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, बॉयज को किस तरह से बिठाए। अगर हमने यहाँ पर एक बॉय को लिया, फिर दूसरा बॉय हमने एक प्लेस छोड़ा हमने, फिर दूसरे बॉय को हमने यहाँ पर ले लिया, फिर एक प्लेस छोड़ा, फिर तीसरे बॉयज़ को हमने यहाँ बिठा दिया, फिर एक प्लेस छोड़ा, चौथे बॉयज़ को हमने यहाँ बिठा दिया। तो जो बॉयज़ को बिठाने की जो कंडीशन थी, तो उसके हिसाब से बॉयज़ का जो परमुटेशन है वो क्या बन गया आपके पास, 4P4। 4 लड़के हैं, 4 प्लेस हैं, उन चारों को बिठा दिया, किसी को आप कहीं भी बिठाओ, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको ये कंडीशन दी है कि जो 3 गर्ल्स हैं उनको आपको इकट्ठे नहीं बिठाना। अब इकट्ठे नहीं बिठाना इसका मतलब गर्ल्स के लिए आपके प्रयास क्या है, आप एक गर्ल्स को यहाँ बिठा सकते हो, एक को यहाँ बिठा सकते हो, एक को यहाँ बिठा सकते हो, लेकिन क्या ये 3 ही प्लेस पॉसिबल हैं? अगर ध्यान से देखो, लॉजिक यूज करो, तो आप एक गर्ल को यहाँ भी तो बिठा सकते थे, यानी प्लेस आपके पास है, आप बिठाओ मत बिठाओ, और एक गर्ल्स के लिए यहाँ भी प्लेस है। तो गर्ल्स आपको बिठानी 3 है, लेकिन आपके पास जो प्लेस है वो बन गए 5, क्योंकि आपको क्या करना है, गर्ल्स को सेपरेट करना है। तो आप गर्ल्स को इस कॉर्नर पे भी बिठा सकते हो, उस कॉर्नर पे भी बिठा सकते हो, या बीच में भी बिठा सकते हो। यानी आपके पास टोटल कितने ऑप्शन है गर्ल्स के लिए, 5 ऑप्शन है जहां पर आप उनको बिठा सकते हो अलग अलग, लेकिन बिठानी गर्ल्स 3 है तो 5P3। अगर यहाँ पर 4 गर्ल्स हो जाती तो आप 5P4 कर देंगे, 5 गर्ल्स हो जाएंगी तो 5P5 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ तक तो इसके बाद का काम तो आप इजीली आप कर ही सकते हैं, फार्मूला कैसे लगाना है, सॉल्व कैसे करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ कहता है, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द लेटर्स ऑफ द वर्ड वोवल्स। वर्ड के आपके पास एक वर्ड यहाँ पर दिया है वोवल्स, इफ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। तो नो रेस्ट्रिक्शन का मतलब है कि जितने लेटर्स आप इसमें यूज कर रहे हैं वोवल्स में, वो सारे लेटर आपको यूज कर लें, किसी को आप कहीं भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसके लिए क्या हो गया, आपके पास 6 लेटर हैं वोवल्स के अंदर, चाहिए ना, काउंट कर लेंगे, और आपको 6 के 6 यूज करने हैं, 6P6 यानी 6 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। आगे कहता है, ईच वर्ड बिगिन विद एस। अब यहाँ पर क्या किया, इसने आपको कंडीशन दे दी कि जो वर्ड आप स्टार्ट करोगे वो एस से स्टार्ट करोगे। तो ये तो आपने फिक्स कर दिया बिल्कुल। अब बाद में कितने बचे इसके पास, 5 लेटर्स बचे, तो उसके लिए 5 प्लेस बच गए। उन 5 लेटर्स को आप जैसे मर्जी अरेंज कर दो, लेकिन एस क्योंकि फिक्स हो गया है तो इसका अरेंजमेंट तो आपके पास एक ही है, तो उसको आप यहाँ पर शो कर सकते हो 1x2 में। बाकी के जो 5 लेटर हैं, 5P5 5 लेटर हैं, 5 के 5 आप यूज कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल। क्लियर होगी बात। अब उससे अगले में क्या कहता है कि ईच वर्ड बिगिन विद एस एंड एंड विद ई। अब स्टार्ट तो उसको एस से करना है और एंड उसको ई से करना है, यानी एस भी उसने फिक्स कर दिया, ई भी उसने फिक्स कर दिया। अब लेटर आपके पास क्या बच गए, 4 लेटर बच गए। उन्हीं 4 लेटर्स को आपको अरेंज करना है, उनकी परमुटेशन फाइंड करनी है। तो आपने जो पहला लेटर था वो आ गया, उसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है एस, उसको आप एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हो। बीच के जो 4 लेटर थे उनको आप चारों को जैसे मर्जी अरेंज कर लो, 4P4। और लास्ट में आपके पास ई है, उसको आप एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हो, यानी ई लिख सकते हो बस खाली, यानी ये बन जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल। अब उसके बाद क्या आता है, ऑल वोवल्स कम टुगेदर। सारे वोवल्स आपके इकट्ठे आने चाहिए। अब सारे वोवल्स इकट्ठे कब आएंगे, कैसे आएंगे, अगर वोवल्स यहाँ पर देखो कौन कौन से वोवल्स है आपके पास, ओ और ई, यही होते हैं ना वोवल्स, तो ओ और ई कह रहा है ये दोनों इकट्ठे हैं, बाकी के जो 4 लेटर हैं वो आप जैसे मर्जी रख लो। अब लेकिन ये वोवल्स जो इकट्ठे हैं इनका भी तो परमुटेशन करना है कि ओ ई होगा या ई ओ होगा, तो दो आपके पास ऑप्शन बनेंगे। आप उसको डायरेक्टली 2 लिख सकते हो, या आप यहाँ पर दिखा दो, भाई 2 लेटर है मेरे पास, 2 के 2 मुझे ऐसे अरेंज करने हैं,
ठीक है। अब ये क्योंकि इकट्ठे रहेंगे, अब बाकी के आपके पास एक दो तीन चार चार प्लेस हुए, लेकिन जो ओ ई है ये फिक्स थोड़ी ना है कि पहले प्लेस पर ही होगा, ये आगे भी जा सकता है, लास्ट में भी जा सकता है, यानी इसको आप एक लेटर की तरह ट्रीट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी करे थे कि जो यहाँ पर आपको उसने ये कह दिया कि भाई ओ और ई इकट्ठे आएंगे, वोवल्स इकट्ठे आएंगे, लेकिन उसकी अरेंजमेंट भी तो देखनी है कि वो कहाँ कहाँ आ सकता है। वो पहले प्लेस पर भी आ रहा है, वो दूसरे पे भी आ रहा है, वो तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, कहीं भी आ सकते हैं। तो यानी इसको आप एक लेटर की तरह काउंट करेंगे, और चार लेटर ये हो गए आपके पास, तो टोटल आपके पास कितने बन गए, पांच लेटर बन गए। यानी आपको क्या करना है, 5P5 यानी 2 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल को इसको सॉल्व कर देना है, इससे आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां पर कहता है ऑल कंसोनेंट कम टूगेदर, अब यहां पर कंसोनेंट इकट्ठे कर दिए, अब वोवल्स इकट्ठे नहीं करे, अब क्या कह रहा है, कंसोनेंट इकट्ठे कर दिए, तो आपको जो कंसोनेंट बचे कौन कौन से, वी डब्ल्यू एल और एस, ये इकट्ठे जाएंगे। तो पहले तो आप इसकी अरेंजमेंट निकाल दो कि भाई ये चारों को आप कैसे कैसे अरेंज कर सकते हो, वी पहले है, डब्ल्यू पहले है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो इसकी अरेंजमेंट आपकी बन गई 4P4। अब क्योंकि ये इकट्ठे जाना है तो ये पूरा एक लेटर ट्रीट होगा, उसके बाद दूसरा लेटर ये हो गया, तीसरा लेटर ये हो गया, अब तीन लेटर हो गया आपके पास, इनको आप 3P3 इस तरह से अरेंज कर दोगे, तो ये 4 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल इसको सॉल्व कर देंगे, इससे आपका ये आंसर भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया हुआ है बच्चों, इन हाउ मेनी वेज कैन 8 बॉयज एंड 7 गर्ल्स बी फोटोग्राफ इफ, आगे भी तीन कंडीशन दे दी है, 8 बॉयज हैं और 7 गर्ल्स हैं, उनके ग्रुप फोटोग्राफ आपको खींचनी है। जैसे आप अक्सर आपके स्कूल में फेयरवेल होती होगी कभी कभी, आपने 10th में की हो, 10th शायद, या फिर 12th में अटेंड करोगे, 11th में अटेंड करते हैं। तो यहाँ पर 8 बॉयज हैं और 7 गर्ल्स हैं, उनकी आपको एक ग्रुप फोटोग्राफ बनानी है। अब यहाँ कंडीशन क्या दे दी, गर्ल्स आर टू सिट ऑन चेयर्स इन ए रो एंड अ बॉय स्टैंड इन ए रो बिहाइंड देम। तो गर्ल्स हैं उनको आगे चेयर्स पे बिठा दिया गया और जो बॉयज हैं वो पीछे उनके खड़े हैं। अब यहाँ पर जब गर्ल्स को आप चेयर्स पे बिठाएंगे तो आपके पास 7 गर्ल्स हैं, सातों को आपको बिठाना है, उसके लिए क्या आ जाएगा आपके पास, 7P7 ये हो गया इनटू में। अब जो बॉयज हैं उनको आपको खड़े करना है, 8 बॉयज हैं, 8 के 8 खड़े हो जाएंगे, 8P8 यानी 7 फैक्टोरियल इनटू में 8 फैक्टोरियल, इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे, ये फैक्टोरियल है, इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, गर्ल्स सिट ऑन इवन नंबर चेयर्स एंड सिट ऑन एंड बॉयज सिट ऑन ऑड नंबर चेयर्स आर देयर आर 15 चेयर इन ए रो। अगर आपके पास अब आगे पीछे खड़े नहीं होना, चेयर्स पे बिठाना है सबको, पूरा सम्मान देना है सबको, चेयर्स पे बिठाना है, तो यहाँ पर जो गर्ल्स हैं वो तो इवन नंबर चेयर पे बैठेंगी और जो बॉयज हैं वो ऑड नंबर चेयर पे बैठेंगे, और टोटल मिलाकर 15 चेयर है। अगर हम वन से लेकर 15 तक, तो 8 ऑड नंबर हो गए और 7 इवन नंबर हो गए, और जो बॉयज है वो भी आपके पास 8 ही है, और बॉयज को बिठाना भी ऑड नंबर पे है, तो 8 बॉयज है उनके लिए 8 चेयर है। तो यहाँ पर क्या हो गया, बॉयज का जो नंबर ऑफ परमुटेशन है वो क्या बन जाएगा, 8P8, और जो गर्ल्स हैं उनको इवन नंबर पे बिठाना है, तो इवन चेयर ही है हमारे पास, क्योंकि चेयर भी साथ ही है, तो यहाँ पर आपके पास 7P7 फिर से वही हो जाना है, 8P8 यानी 7 फैक्टोरियल इंटू में 8 फैक्टोरियल, क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर कहता है देयर आर 15 चेयर इन रो, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, 15 चेयर है अभी भी, लेकिन अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है भाई, जिसका जैसा मन करता है जहां मर्जी अपना बैठो। अब इस ऐसे अगर बिठाना है, कोई आपके पास रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 15 चेयर है तो 15 की 15 आपको ऑक्यूपाई करनी है, यानी 15 फैक्टोरियल को आप सॉल्व कर देंगे, 15 × 14 × इतना जरूरी नहीं है, इतने बड़े बड़े फैक्टोरियल अगर आएंगे तो आप उसको फैक्टोरियल में ही छोड़ देंगे, अगर 1 मार्कर में आते हैं, अगर ज्यादा 3 या 4 मार्कर में आएंगे तो आपको इसको पूरा सॉल्व करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है हाउ मेनी ऑड नंबर ग्रेटर देन 80,000 कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 2, 3, 4, 5 एंड 8 इफ ईच डिजिट इज यूज्ड ओनली वंस इन ए नंबर। आपको क्या करना है, 80,000 से बड़ा नंबर बनाना है, 5 डिजिट का नंबर बनेगा क्योंकि आपके पास 5 ही डिजिट है, और आपको एक डिजिट को एक ही बार यूज करना, मतलब रिपीट नहीं करना। तो यहाँ पर आपके पास टोटल 5 प्लेस है, यानी 5 डिजिट आपको यहाँ पर यूज करनी है। अब यहाँ पर जो पहला प्लेस है, पहले आप उसको देखेंगे उसमें आप क्या फिल कर सकते हो, क्योंकि कंडीशन क्या है कि 80,000 से बड़ा नंबर चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप 2 रखते हो या 3 या 4 या 5, तो 80,000 से बड़ा तो वो बनेगा ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपके पास एक ही ऑप्शन है, 8 आप यहाँ पर रख सकते हो,
यहाँ पर आपको नंबर ऑफ ऑप्शन लिखने ध्यान रखना, 8 मत लिख देना, आपके पास कितने ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर लिखना। अब यहाँ आने के बाद आप सीधा यहाँ पर आएंगे पहले, क्योंकि आपको यहाँ पर ऑड नंबर दिया हुआ है इसलिए, तो ऑड नंबर दिया है तो जो कंडीशन आपको दी है पहले उसके हिसाब से आपको चलना है। अगर ऑड नंबर नहीं दिया होता तो आप फिर बारी बारी से नंबर फिल कर सकते थे। तो ऑड नंबर आपके पास अगर रखना है, इसको ऑड नंबर बनाना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पर, या तो 3 रख दो या 5 रख दो, तो दो ऑप्शन हो गए आपके पास। तो इन दोनों में से कोई भी एक नंबर आप यहाँ पर रख दोगे, यानी ऑप्शन आपके पास दो है। अब यहाँ पर जो ये प्लेस बचे उसके लिए क्या कितने ऑप्शन हो गए, मान लो 3 या 5 में से कोई एक नंबर आपने रख दिया। अब आपके पास एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक इन दोनों में से कोई एक हो गया, मतलब 3 ऑप्शन बच गए। उन 3 में से कोई भी नंबर आप यहाँ रख दो, बाकी 2 नंबर, 1 नंबर यहाँ बचा, इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, 12 आपका आंसर आ जाएगा। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे परमुटेशन में, भाई पहले वाले के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो तो एक ही हो गया, 1p1 मतलब। तो बीच के 3 नंबर थे उनके लिए ऑप्शन आपके पास 3p3 हो गया, और जो लास्ट है उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, यानी 2p1 हो गया। ठीक है, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो कि 2 ऑप्शन थे आपके पास और आपने उसमें से एक ही ऑप्शन यूज करना है। तो ये और ये दोनों का मतलब एक ही है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हो गया और ये परमुटेशन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, मोपेड लाइसेंस प्लेट हैज 2 लेटर्स एंड देन 4 नंबर्स इन इट। एक मोपेड की जो लाइसेंस प्लेट है उसमें पहले 2 अल्फाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, उसके बाद आगे 4 नंबर है। अब कहता है, हाउ मेनी प्लेट्स कैन बी मेड विदाउट डुप्लीकेटिंग, देयर आर नो प्लेट विद नो जीरोस। आपको ऐसे यहाँ पर कुछ प्लेट्स बतानी है, नंबर प्लेट्स बतानी है जिसमें डुप्लीकेटिंग ना हो, और उसके अंदर जीरो को आपको यूज नहीं करना है, नंबर्स में 0000 यूज नहीं करना, वीआईपी नंबर नहीं बनाना, कुछ और वीआईपी नंबर आप बना सकते हो। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम जीरो को इंक्लूड करके चलते हैं। अगर जीरो भी इंक्लूड है तो कितने नंबर्स आप बन सकते हैं, इफ जीरो इज इंक्लूड देन टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स। अब आपके पास देखो यहाँ पर कितने ऑप्शन है, तो पहले 2 लेटर्स यूज करने हैं। अब इसने ये नहीं बोला कि आप रिपीट नहीं कर सकते, अगर ए है तो दोबारा भी आप ए नंबर बना सकते हो। तो 26 लेटर्स हैं, दूसरे प्लेस पर भी आपके पास 26 लेटर्स हैं। अब उसके बाद जो 4 नंबर है, क्योंकि अभी हम 0 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 डिजिट हो गई। तो 10 डिजिट होगी तो आप पहले प्लेस पर 10 में से कोई भी रख दो, फिर दूसरे प्लेस पर 10 में से कोई रख दो, फिर रख दो, फिर रख दो, यानी फुल BBPI नंबर बनने वाला है। यहाँ पर ये नंबर आपने रिपीट कर दिया, मान लो AA यहाँ पर 3333 पूरा VIP नंबर बनेगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 × 26 676 हो गया, और आगे 4 जीरो लगा दो। अब इस नंबर में से अगर आप जीरो को एक्सक्लूड कर दो, पहले वो नंबर ले लेते हैं अगर जिसमें सिर्फ जीरो हो, तो इफ देर इज ओनली जीरोस इन नंबर प्लेट, उसमें क्या आएगा, जो अल्फाबेट्स है वो तो आप 26 26 ही कर सकते हो, लेकिन उसके बाद क्या आपके पास एक ही ऑप्शन है चारों प्लेस के लिए, आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप वहां पर जीरो ही रख सकते हो। यहां पर एक ही ऑप्शन है, यहां पर भी एक ऑप्शन है, यहां पर भी एक, यहां पर भी, क्योंकि यहां पर आपको सब जगह जीरो रखना है। तो इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 676। तो ये आपके पास टोटल नंबर प्लेट होगी जिसमें जीरो भी इंक्लूड है, बाकी और नंबर भी इंक्लूड है। ये वो नंबर प्लेट होगी जिसमें सिर्फ जीरो इंक्लूड है, नंबर्स में से, लेटर्स तो कुछ भी आप रख लो लेकिन नंबर्स में से सिर्फ जीरो इंक्लूड है। तो अब आपको टोटल नंबर ऑफ प्लेट निकालनी है जिसमें जीरो इंक्लूड ना हो, तो टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स एक्सक्लूडिंग जीरोस, जिसमें जीरो नहीं है, ऐसे नंबर कितने हो गए। ये नंबर टोटल है आपके पास जिसमें जीरो भी इंक्लूड है, ये सिर्फ जीरो नंबर वाले हैं, तो माइनस कर दो, 10 − 6 = 4 9 − 7 = 2 9 − 6 = 3, फिर यहाँ बच गया आपके पास 9, यहाँ आ गया 5 और 7 6, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 6 7 5 9। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, कहता है इन एन एग्जाम देर आर 3 MCQs एंड ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शंस। 3 आपको MCQs के आंसर देने हैं जिसके लिए आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वे इन विच ए स्टूडेंट कैन फेल टू गेट ऑल करेक्ट आंसर। तो आपको बताना है कि ऐसे कितने तरीके होंगे जिसमें कोई स्टूडेंट जो है सारे के सारे करेक्ट आंसर ना दे पाए, ये आपको बताना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आप निकालते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज टू गिव ऑल
आंसर्स. तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू गिव आंसर्स. अब उसमें करेक्ट है या नहीं है वो सब यहां पर आ जाएंगे. जब आप पहले क्वेश्चन का आंसर दोगे तो आपके पास कितने ऑप्शन है, वहां पर चार ऑप्शन है. तो पहला क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, चारों में से कोई भी ऑप्शन ले लिया. दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो वहां भी तो आपके पास चार ही ऑप्शन है. और तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे वहां भी आपके पास चार ऑप्शन है. टोटल 64 वेज होंगे जिससे आप उनके आंसर दे सकते हैं. अब यहां पर हम देखते हैं कि अगर करेक्ट आंसर देंगे तो उसके लिए कितने आपके पास तरीके हैं. नंबर ऑफ वेज टू गेट करेक्ट आंसर. तो चार एमसीक्यूज होंगे, चार एमसीक्यूज में से करेक्ट तो एक ही होगा ना. तो आपने जब पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो उसमें करेक्ट आंसर देंगे आप, उसमें एक ही होगा. दूसरा आप क्वेश्चन देंगे तो उसमें भी आपके पास एक ही ऑप्शन है. तो यहां भी एक ऑप्शन है. टोटल मिलाकर एक ही ऐसा तरीका होगा जिसमें आप तीनों के करेक्ट आंसर दे पाएंगे. यानी आपको जो ये चाहिए, नंबर ऑफ वे इन विच ए स्टूडेंट कैन फेल ऑल कैन फेल टू गेट ऑल करेक्ट आंसर. तो ये अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ वेज टू गेट ऑल टू नंबर ऑफ वेज फॉर स्टूडेंट कैन फेल टू गेट ऑल करेक्ट आंसर. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो टोटल आपके पास आंसर्स थे वो कितने थे, 64, उसमें से 1 माइनस कर देना है. तो 64 माइनस 1 यानी टोटल आंसर आ जाएगा आपका 63. यानी इतने वो तरीके होंगे जिनसे आप सही आंसर नहीं दे पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है देयर आर 3 प्राइजेस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 6 बॉयज. 3 प्राइज हैं और 6 स्टूडेंट हैं आपके पास जो प्राइजेस आपको देने हैं. इन हाउ मेनी वेज कैन इट बी डन व्हेन नो बॉयज गेट्स मोर देन 1 प्राइज. यानी यहाँ पर आपको बता रहा है कि रिपीटेशन नहीं करना कि एक ही बॉय है उसको पहला प्राइज भी दे दिया, दूसरा प्राइज भी उसे दे दिया, तीसरा प्राइज भी दे दिया, ऐसा नहीं करना. तो यहाँ पर आपको क्या है, टोटल आपके पास 6 स्टूडेंट है, उसमें से आपको 3 प्राइजेस देने हैं. तो 6p3 आप सॉल्व करेंगे, 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, इसको आपने सिंप्लीफाई कर देंगे, 6 इंटू 5 इंटू में 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा आपके पास आंसर 120. ठीक है. अब यहाँ पर सेकंड पार्ट में देखते हैं, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन एज टू द नंबर ऑफ प्राइजेस एनी बॉय गेट. यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. एक जो तीनों प्राइज है हो सकता है एक ही बच्चे को मिल जाए या ना मिले, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. तो आपके पास जो पहला प्राइज आप दोगे उसके लिए कितने ऑप्शन है, आपके पास 6 ऑप्शन है, 6 में से किसी को भी दे दो. तो यहाँ पर आके आपके पास पहले के लिए 6 ऑप्शन होगी. दूसरा प्राइज जब आप देने जा रहे हो तो उसके लिए भी 6 ऑप्शन है, तीसरे प्राइज के लिए भी 6 ऑप्शन है. तो यह आ जाएगा 216. तो थर्ड पार्ट है उसमें कहता है नो बॉयज गेट ऑल द प्राइजेस, यानी सारे के सारे प्राइज एक ही बच्चे को मिल जाए ऐसा नहीं करना. दो मिल सकते लेकिन तीनों नहीं देने. तो अगर तीनों नहीं देने तो उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन आएगी, जो पहला प्राइज जो तीनों के तीनों प्राइज है वो किसी एक बच्चे को मिल जाए. तो ऐसा हमारे पास क्या है, 6 लड़के हैं ना, तो हो सकता है कि वो पहले वाले को मिली हो या दूसरे वाले को या तीसरे वाले को या चौथे वाले को. यानी तीनों के तीनों प्राइज जो है नंबर ऑफ बॉयज टू गेट ऑल द प्राइजेस, नंबर ऑफ बॉयज टू गेट ऑल द प्राइजेस, सारे प्राइज उसे मिल जाए. ठीक है. तो इसके लिए आपके पास 6 ऑप्शन होंगे. यानी जो पहला बच्चा है उसको भी 6 मिल सकते हैं और तीनों प्राइज मिल सकते हैं, जो दूसरा बच्चा है उसको भी तीनों प्राइज मिल सकते हैं. तो आपको जो ये आंसर चाहिए इसके लिए क्या करना है, जो ये वाला ऑप्शन था आपके पास 216, इसमें वो सारे इंक्लूड थे, इसमें वो सभी इंक्लूड थे, चाहे उसको एक प्राइज मिल रहा है, चाहे उसको दो प्राइज मिल रहे हैं, चाहे उसको तीनों प्राइज मिल रहे हैं. ठीक है. इसमें से हमने वो माइनस कर देने हैं जो एक ही बच्चे को सारे प्राइज मिल गए. तो 216 में से हमें 6 माइनस कर देना, ये आ जाएगा आपके पास 210. इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. और आई होप मेरे वीडियोस के थ्रू आपको परमुटेशन अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा. मेन चीज है इंटरेस्टिंग लग रहा होगा. और ऐसा है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज भी आप तक पहुंचती रहे. आज के वीडियो में इतना ही. थैंक्स टू ऑल.